दोस्तों नमस्कार। इस खबर में फिर हम दो हत्याओं का जिक्र करेंगे और वो भी देहात क्षेत्र में हुई हैं। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, भीतरी चैनपुर के थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब भीतरी क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर हत्या के दो मामले प्रकाश में आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले में जो पहला मामला बताया जा रहा है वो भीतरी चैनपुर के अय्यापुर के रहने वाले किसान बिजनेस की हत्या का है। बिजनेस अपने भाई रजनेश के साथ सुबह 10 बजे गेहूं की बिक्री के लिए फरीदपुर के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। इसी दौरान रसोईया गांव के पास पहले से घात लगाए हुए दो मोटरसाइकिल पर 6 बदमाशों ने बिजनेस के ट्रैक्टर को रोक लिया और दोनों भाइयों से मारपीट करने के साथ बिजनेस की पीठ पर गोली मार दी। इस घटना से बिजनेस की मौत हो गई, वहीं इस घटना से रजनेश किसी तरह बचकर भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कई थानों का फोर्स भी बुला लिया गया। मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बिजनेस के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरा हत्या का मामला इटावा बेनीपुर से आया है, जहां से पुलिस को अज्ञात शव के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार इस शख्स की भी हत्या की गई है। पुलिस ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभारी एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार का कहना है कि जिले के सभी थानों से गुमशुदगी का मिलान किया जा रहा है और जल्द ही दोनों मामलों का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या बोले हैं प्रभारी एसपी सुभाष चंद्र गंगवार, आइए सुनते हैं उनकी बात। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नहीं, इसमें तो जो बात प्रकाश में आ रही है वो पुरानी रंजिश है, पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई है। इसमें कहीं मुकदमे में गवाही में चल रहा था और समझौता का प्रयास हो सकता है दोनों पक्षों में हो रहा हो, उसी के मद्देनज़र ये मर्डर हुआ है। और एक मर्डर जो गुमशुदा मुझे लगता है कि वो अज्ञात है, उसमें अभी हम लोग उसकी शिनाख्त करेंगे तब उसमें आगे कार्रवाई।